जनता के जानों माल संग खेल रचाने वाला और अपने कार्यकलापों से सदा जनता का अप्रिय महावितरण विभाग अब की जनता की नजरों से पूर्णतया उतर चुका है। बोलना कुछ और करना कुछ, ये इनकी फितरत में शामिल हो चुका है। सिटी न्यूज ने अमरावती बदनेरा संभाग का दौरा कर खुले पड़े डीपी का चित्रण कर जब प्रदर्शित किया, तब जाकर महावितरण ने समस्या पर लीपापोती करते उन खुले डीपी पर कहीं पोते बोंदरी बांधी तो कहीं पुट्ठे बांधे तो कुछ एक वैसे ही अनावृत रहने दिया। इस विभाग के कार्यकारी अभियंता से जब पूछा गया तो उन्होंने आर्थिक अड़चन का बहाना बताया। हाँ, गेल्या आपल्या कर्फ्यू दरम्यान जे काही जे ग्राहक जे क्लस्टर त्याच्यामध्ये अडकलेले होते, यांच्या ड्यूडेट्स होत्या, पण त्या ड्यूडेटला त्यांना बिल न मिळाल्यामुळं महावितरणतर्फे साधारणतः विभागाचे साधारणतः 55,000 वगैरे ग्राहक हे यांची जी मुदत जी होती वीज बिल भरण्याची ती वाढवून 23 तारीख करण्यात आली होती। आणि त्या दरम्यान जर काही ग्राहकांना जर भूदंड पडला असेल तर ते आमच्या सिस्टीममध्ये आम्ही कॅल्क्युलेट करून महावितरणतर्फे त्याची दुरुस्ती करण्यात येईल। आणि या दरम्यान जर 20 ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारची असुविधा झाली असेल तर त्याकरिता महावितरण क्षमस्व राहील असं मी महावितरणतर्फे जाहीर करतो। जिस विभाग की समस्या को खुद कुबेर और ब्रह्माजी न मिटा सके, ऐसा बिगड़ा बालक ये विभाग हो चला है। भरमसाठ पगार और अनाप शनाप खर्चे से जूझता यह विभाग समस्याग्रस्त है, इसीलिए आम जनता की जेब में डाका डाल रहा है। दिनांक 12 नवंबर की घटना के चलते सारा शहर कर्फ्यू ग्रस्त हुआ, सारे इंटरनेट बंद कर दिए गए, लिहाजा बिजली बिल समय पर प्राप्त न हो सके और ना ही जनता उस बिल का भुगतान कर पाई। कर्फ्यू हटने पर जब बिल की राशि भरी गई तो आम जनता से दंड के स्वरूप लाखों रुपए झटक लिए गए, जबकि कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर ने अखबारों में सूचित किया था कि दिनांक 23 नवंबर तक बिल भरने पर दंड वसूला नहीं जाएगा, फिर भी दंड वसूला गया। ऐसी अद्भुत घटनाओं का स्वामित्व स्वीकार चुका है अमरावती का महावितरण विभाग।